देखिए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम मजदूर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के जिला कहूँ तो मुरादाबाद से आए हैं। सुधीर चंद जी हमारे साथ हैं जो कि सभी मजदूरों को लेकर के जंतर मंतर आए हैं। आइए जानते हैं इनके साथ क्या हुआ है जिस कारण राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगी, कहां से आए हैं आप, कौन से जिले से आए हैं? मेरा नाम सुधीर चंद्र, मैं मुरादाबाद जिले से आया हूं। मुरादाबाद जिले में कांट रोड पर DSM एग्रो पेपर मिल अगवंत के नाम से पेपर मिल थी। 20 जुलाई 2001 में मिल प्रबंधकों ने 8 फर्जी सूची बनाकर मिल अवैधानिक स्थायीबंदी कर दी। कितने मजदूर काम करते उस समय मिल में? 326 कर्मचारी थे। और कब से आप लोग को हटाया गया? तब से हम लोग लड़ रहे हैं बराबर। कब से? 20 जुलाई 2001 से लड़ रहे हैं बराबर। 20 जुलाई 2001 से? हाँ जी। और धरना कितने साल से कर रहे हैं? धरना तो अभी 6 महीने चल गया, जब हर जगह हम लड़के चले आए उसके बाद हमारा धरना शुरू हुआ, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं थे। बिना कोई सूचित किए, बिना कोई कारण बताए आप लोगों को निकाल दिया गया? हाँ। तो आप इन सब की शिकायत आपने वहाँ के मुख्यमंत्री जी से, शासन से, प्रशासन से, अन्य और भी जगह है, कोर्ट तक भी आप गए? गए, सबसे गए, मगर कोई सुनने वाला नहीं। तो कोर्ट से क्या ऑर्डर आया? कोर्ट से ऑर्डर आया, ये कोर्ट काट रही है, कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ। ये ऑर्डर कॉपी है जी, API अप्रूवल हो गया जजों के खिलाफ, अब कार्रवाई करनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के, वहाँ पर विचाराधीन चल रहा है। विचाराधीन चल रहा है जी। तो अब आप लोग क्या चाह क्या रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि या तो हम लोग न्याय मिले, नहीं न्याय मिलता तो हमारे लिए फिर इच्छा मृत्यु की दे दिया, परमिशन दे दिया, क्योंकि हम लोग लड़के लड़के थक चुके हैं, कोई सुनने वाला है नहीं इस देश में, गरीब कोई सुनने वाला कोई नहीं। 7 बार हम लोग योगी जी के जनता दरबार में ये ऑर्डर कापी है, वहाँ से ऑर्डर होता ये श्रम विभाग वाले दबा लेते, उप शर्मायुक्त मुरादाबाद और शर्मायुक्त कानपुर ये सब बिके हुए हैं, ये सब अपना पेट भर रहे हैं। और ये सिलसिला 20 साल से चल रहा, उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग में घोटाला 20 साल से चल रहा। तो ये पेपर मिल है? पेपर मिल है। तो अब क्या लगता है कि आपको न्याय कहाँ से मिलेगा, क्या लग रहा है? क्योंकि आप कोर्ट में भी चले गए, कोर्ट में गए तो कोर्ट में तो उन्होंने जजों खरीद लिया, अब हम लोग तो कहीं ना कहीं से तो न्याय मिलेगा ना, अब हम मजबूर हो गए, हमें जंतर मंतर आना पड़ा। जिस देश में न्याय नहीं मिल सकता गरीब को, तो जीने से क्या फायदा, फिर कहाँ तक हम लोग धक्के खाएंगे? क्या लग रहा है आप लोग राष्ट्रपति जी के समक्ष भी गए हैं, वो सुनवाई करेंगे? आप लोग चाह रहे हैं कि CBI जांच वगैरह, जैसे हम चाहते हैं CBI जांच हो जाए, अगर CBI जांच हो जाए तो सब पानी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, पूरा श्रम विभाग फंसा हुआ है। तो इस समय मजदूरों के घर में कैसी स्थिति है, उनके घर परिवार? बहुत बुरी हालत है मजदूरों के, भुखमरी के आर खड़े सब, बहुत बुरी हालत है, कोई सुनने वाला नहीं, बहुत बुरा हाल है। कुछ मजदूरों की मृत्यु भी हो चुकी है? 65 मजदूरों की लिस्ट हमारे पास है और करीब संख्या बढ़ के 100 करीब हो चुकी है। उन्होंने खुद आत्मदाह किया? आत्मदाह कर लिया, मजबूरी में, भुखमरी के, भुखमरी में ये हालत है, कोई सुनने वाला नहीं। राष्ट्रपति जी के यहाँ से CBI जांच के ऑर्डर हुए, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार में जॉइंट वो फाइल दबाए बैठे। आप लोग कितने साल तक वहाँ पे काम किया था? हम लोग करें 22 साल वहाँ काम करें, 22 साल बाद जी, और 20 साल से लड़ रहे लगातार। जहाँ कहा जाए तो सरकार कहती है कि अगर व्यक्ति, सरकार का भी ये रूलिंग होता है कि व्यक्ति अगर ज़्यादा समय तक एक जगह काम कर लेता है, अगर उसको बिना सूचित किए हटा दिया जाता है या कोई भी कार्रवाई की जाती है तो पहले उसको सूचना दी जाती है या फिर उसको किसी और जगह भी कहीं ना कहीं उसको नौकरी की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इनको ना तो सूचित किया गया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है, सीधा इनको कह दिया गया अब आपकी छुट्टी है, ये कहा गया जी। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं CBI की मांग? हम चाहते हैं CBI जांच अगर एक बार हो जाए तो सारा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि पूरा श्रम विभाग जो फंसा हुआ है। देखिए आज महिला दिवस है, 8 मार्च 2022, यहाँ पर महिलाएं, ये देखिए ये महिला दिवस बन रहा है, ये देखिए ये इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं महिलाएं, आज ये बन रहा है महिला दिवस, आज महिला दिवस है। महिला दिवस के अवसर पर जहां आपको खुशी होनी चाहिए वहां आप इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। जी जी जी।
बहुत परेशान हैं हम, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं और टेंशन में, फैक्ट्री बंद होने से, पेपर मिल बंद होने से हमारे हस्बैंड ने अपनी आप मतलब सुसाइड कर लिया, और हम बताओ कहाँ कोठियों पर झाड़ू पोछा करते हैं और फिर भी हमारे बच्चों को पेट भर के खाना टाइम पर नहीं है। बहुत परेशान हैं हम, क्या करें बताओ, सब जगह से हम हार के मुकदमा करते हैं। मिल तो चल लिया है बराबर, लेकिन हम लोगों को मतलब नहीं रखा, हमारे जो हस्बैंड है वो काम करते थे, हटा दें वहाँ 45 साल लगभग, अब होगी समय, उस समय तो 35 साल थी लगभग, 35 साल जब वो वहाँ से निकाले गए। जी जी, तो देखिए युवा थे जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। देखिए वोट के समय लगातार सरकार कहती है हम आपके लिए हैं, मैं मजदूरों के लिए, मैं मजदूरों की आवाज़ बनकर आऊँगा, मैं आवाज़ बनकर हूँ। तो यहाँ पर कुछ नज़ारे आप देख सकते हैं, कुछ और ही यहाँ पे दिख रहे हैं। मजदूर काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से भटक रहे हैं दर दर, और इनकी मांगें जो हैं पूरी नहीं हो रही हैं, यहाँ तक कि इनके खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी मांग कर रहे हैं कि CBI जाँच होनी चाहिए, यही इनकी मांग है। जी हाँ, अगर CBI जांच एक बार हो जाए तो सारा भ्रष्टाचार खुलासा हो जाएगा, क्योंकि जितने अधिकारी इसमें हैं भ्रष्ट, वो सब मिल मालिकों के साथ पैसा खा रहे हैं। देखिए महिला दिवस पर आज जो इनकी स्थिति है, आज पूरा देश महिला दिवस मना रहा है, लेकिन यहाँ पर आप परिस्थितियाँ देख सकते हैं, इन महिलाओं की मजबूरी सुन सकते हैं, इनकी पीड़ा आपको झकझोर देगी, इनकी पीड़ा आप लोगों को झकझोर देगी। आप आंटी क्या, कैसे घर का खर्चा चलता है? क्या खर्चा चलता है, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो घर बैठ गए। देखिए यहाँ आंसू, लड़की शादी कर लियो थी, जहाँ शादी करना चाह रहे वहाँ शादी नहीं हुई, अब लड़का है जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें नहीं पढ़ सका लड़का, और अपना ऐसे ही थोड़ा बहुत खर्चा चल लिया, क्या खर्चा चल लिया है। आज तो महिला दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, और हमें यहाँ रोना आ रहा, बताओ क्या करें, जहाँ जाते सुनाई नहीं होती, 6-6.5 महीने से गेट पर रात दिन बैठे रहते हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। तो सरकार से कुछ कहना चाहोगी? सरकार से हम तो अपना न्याय मांग रहे हैं, जो आपका जितना भी बनता है वो दिया जाए। हाँ दिया जाए, और आप CBI की जांच की मांग? हाँ जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जिस वजह से मतलब उस आज जो दिन देखने पड़ रहे हैं, आज दिन देखने पड़ रहे हैं, उसका खुलासा हो, खुलासा हो जाएगा, उसे भी ये पता चल जाएगा कि मतलब वो हम लोगों की कमी है या उसकी कमी है, उसके लिए तो जानकारी हो जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मा देवी है। जो हमारा मुआवजा है हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, परेशान है, जवानी से बुढ़ापा आ गया, जवान से बुढ़ापा आ गया, हम ये चाहते हैं हमारे जो कुछ वेतन मिल जाए, बस तो और ज्यादा क्या करें, हम परेशान हैं। तो देखिए चाहे वो कानूनी लड़ाई हो गई, चाहे वो सामाजिक लड़ाई हो गई, चाहे वो अपने अधिकारों की लड़ाई हो गई, यहाँ पर इनके जो सफेद बाल हैं, जवानी से बुढ़ापे तक इनका सफर जो है इन लड़ाइयों में ही गुजर गया। अब देखते हैं सरकार जो ये मांग कर रहे हैं CBI की, वो इनकी मांग पूरी करती है या नहीं।